Good morning, students. Today we are going to start our new topic of the chapter Epidemiology of Diseases, in which we have studied tuberculosis yesterday. So first of all, talking about this disease is caused by a gram negative bacteria, Salmonella typhi, which is commonly found in the intestine, and later on it is also seen in the bloodstream. Typhoid fever is also called as the enteric fever, because enteric word जो होता है बेटा वो intestine से related होता है, तो इसमें जो fever आता है वो basically आपके intestine में जो infection होता है ज्यादा, उसकी वजह से ही हमें fever आता है, so that's why it is also called as the enteric fever. Now talking about the history, you all know that bacteria, a number of bacteria are responsible for the number of diseases in the mankind from the prehistoric time. In 1873 a doctor called as William Budd, he demonstrated. उन्होंने बताया कि ये जो टाइफाइड फीवर है, इन्होंने कॉलरा के बारे में भी बताया था कि टाइफाइड जो फीवर है ये कैसे फैलता है, ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ द फेकल मटीरियल ऑफ द पेशेंट इन द वॉटर, कि वो कंटेमिनेटेड वाटर अगर कोई लोग यूज कर लेते हैं तो उससे ही जो है वो ये टाइफाइड फीवर लोगों में फैलेगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रॉपरली बताया वो किन्होंने बताया, कॉल जोसेफ अबर्थ, अगेन अ डॉक्टर, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट रूडोल्फ विर्चो. इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया बैक्टीरिया को प्रॉपरली, और इसका जो है हमें स्ट्रक्चर बताया. ही डिस्कवर दिस बैक्टीरिया इन द प्योर पैचेस, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन. नेक्स्ट, this bacteria was again reconfirmed by many of the other bacteriologists, and the most important was the Robert Koch. Bhi aapne pehle jaan aapko pata hai. Now how this name typhoid that comes from, the typhoid word is derived from its name. It is caused by the bacteria. Which bacteria? The Salmonella typhi. Salmonella typhi jo typhi word hai, wo typhi word रिप्रेजेंट करता है एक टाइफस फीवर. एक फीवर होता है जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म से होता है, तो उसमें जो फीवर आता है, जो टाइफस फीवर होता है, उसके सिम्टम्स काफी हद तक टाइफाइड फीवर के जैसे ही होते हैं, इसलिए इसके साथ जो नाम आ गया वो आ गया टाइफी. साल्मोनेला नाम कहां से आया, द साल्मोनेला जो है जब इसके बाद में अच्छे से इसके फीचर्स के बारे में देखा गया तो ये चीज नोट की गई कि दिस बैक्टीरिया दैट बिलोंग टू अ साल्मन ग्रुप. ठीक है, ये बैक्टीरिया जो एक पैथोजेनिक ग्रुप है उसको ही बिलोंग करता है, साल्मन ग्रुप में आता है, और ये साल्मन ग्रुप से ही ये बैक्टीरिया आ रहा है, तो इससे इसका नाम आ गया साल्मोनेला. और ये साल्मोनेला या साल्मन ग्रुप का नाम कहां से है, एक बहुत फेमस हमारे अमेरिकन वेटनरी डॉक्टर थे जिनका नाम था डेनियल एल्मर साल्मन, तो उनको ही जो ऑनर करने के लिए ये नाम आ गया साल्मोनेला. सो साल्मोनेला टाइफी. वन मोर थिंग, कल मैं आपको बताना भूल गई थी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो हमारा नाम जो है वो कहां से आया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस जो नाम आया वो तो ट्यूबरकल से आया, अगर आपको ध्यान हो हमने बताया था कि कल जो अगर जब किसी को टीबी होता है तो ट्यूबरकल्स बन जाते हैं लंग्स में, सॉफ्ट ट्यूबरकल्स, हार्ड ट्यूबरकल्स, पहले हार्ड ट्यूबरकल बनेगा फिर सॉफ्ट ट्यूबरकल बनेगा, तो वहां से आ गया आपका ट्यूबरकल. ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लस जो है, ट्यूबरक्लस वहां से नाम आ गया. और माइक्रोबैक्टीरियम क्यों आया, बिकॉज दिस बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया है, माइक्रो वर्ड जो है वो फंगस के लिए यूज करते हैं, यू ऑल नो, सो दिस इज अ फंगस बैक्टीरिया. व्हाई इट इज कॉल्ड फंगस बैक्टीरिया, बिकॉज इट इज हाईली हाइड्रोफोबिक एंड इट ग्रोज एज द फंगल पेलिकल्स. जिस तरह से फंगल पेलिकल्स ग्रो करते हैं उसी तरह से इस माइक्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ होती है अगर आप उसको लिक्विड मीडियम में कल्चर करो तो इसलिए इसका नाम आ गया माइक्रोबैक्टीरियम. और ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूबरकल्स इन द लंग्स. राइट, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया. और टाइफाइड का नाम साल्मोनेला, टाइफाइड नाम कहां से आया, साल्मोनेला टाइफस से आया, तो इसलिए इसको टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं. एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द एंटेरिक फीवर बिकॉज इट इज कॉज्ड टू द इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन. नाउ नेक्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट. सो कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको मैं आपको इलेबोरेट करती हूं. दिस द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस फीवर
दे बिलोंग टू द साल्मोनेला. साल्मोनेला में आएंगे ये. और साल्मोनेला को हमने फर्दर फिर डिवाइड किया हुआ है बहुत सारे सीरोटाइप्स में. नाउ व्हाट द वर्ड सीरोटाइप इज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सीरोटाइप क्या होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो आपके बैक्टीरिया या वायरसेस हैं स्पेशली, तो उनके सर्फेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एज अ एंटीजन बिहेव करेंगे हमारे लिए. ठीक है, वैसे तो कोई भी चीज बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है वो हमारे लिए एंटीजन होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर, एक स्पेसिफिक वायरस के ऊपर कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी एंटीजेनिसिटी का पता लगता है, कि ये पता चलता है कि ये वाला एंटीजन है, ये वाला बैक्टीरिया है. ठीक है, तो एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे सीरोटाइप्स हो सकते हैं, उसमें उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है किसमें, इन एंटीजेंस में. ठीक है, सो इन केस ऑफ द एनी ऑफ द स्पीशीज हैविंग डिफरेंट सीरोटाइप, दे हैव द बेसिक नंबर ऑफ एंटीजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन, बट देर इज अ लिटिल डिफरेंस इन देयर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक स्पीशीज के सीरोटाइप. स्पीशीज वही रहेगी लेकिन उसके अलग अलग क्या होंगे, सीरोटाइप हो सकते हैं. तो एक ही स्पीशीज के बहुत सारे सीरोटाइप होंगे. तो यहां पर जो साल्मोनेला है वो दो तरह के जो फीवर्स कॉज करता है, वन इज द टाइफाइडल फीवर एंड अनदर इज योर नॉन टाइफाइडल फीवर. नाउ द टाइफाइडल फीवर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइफाइड फीवर, जिसको अभी हम डिटेल में करेंगे. दिस टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी. And this typhoidal fever is also called by caused by the paratyphoid. Salmonella paratyphi भी इसको cause करता है और इस fever को हम paratyphoidal fever बोलते हैं. ठीक है, तो typhoidal fever कौन से हुए, जो Salmonella typhi cause करेगा या Salmonella paratyphi cause करेगा. The most important of these two is Salmonella typhi, which causes the typhoid fever in India, whereas in case of the Salmonella paratyphi, it causes the fever and its further other types are the paratyphi A, B and C. तो अगर हम आज की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी ही है जो हमारे यहां पर टाइफाइड फीवर कॉज करता है, लेकिन कुछ एक केसेस अब पैराटाइफी के भी मिलने लग पड़े हैं. क्यों? क्योंकि दिस साल्मोनेला टाइफी हैज बीन बिकम रेजिस्टेंट टू मेनी ऑफ द ड्रग्स विच आर वर्किंग अगेंस्ट दिस टाइफाइड फीवर. सो ये जो है अब कम मिल रहा है हमें, और अब पैराटाइफिस के केस भी जो है हमें देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट इज द नॉन टाइफाइडल फीवर. नॉन टाइफाइडल फीवर इट कॉजेज द गैस्ट्रो एंटेराइटिस एंड फूड पॉइजनिंग. ये वाला जो आपके नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला है वो हमको या गैस्ट्रो एंटेराइटिस करेंगे या फूड पॉइजनिंग करेंगे. तो गैस्ट्रो एंटेराइटिस यानी कि जो आपके गैस्ट्रो या इंटेस्टाइनल रीजन में जो है वो इन्फेक्शन करेंगे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया हो सकता है या फूड पॉइजनिंग हो सकता है. तो ये कौन करेगा आपको, इन दोनों के अलावा, यानी कि साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी के अलावा जो बाकी आपके सीरोटाइप्स बच गए विच कम अंडर साल्मोनेला, वो सारे के सारे जो है वो नॉन टाइफाइडल फीवर कॉज करेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर दी साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम एंड साल्मोनेला एंटेराइटिस. ठीक है, तो ये जो है हमें नॉन टाइफाइडल फीवर कॉज करेंगे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी पॉजिटिव एजेंट, तो बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें तो सिम्टम्स इसके देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर एक्टिंग एज द कैरियर्स. कैरियर वो होते हैं जिसमें अपने आप में कोई भी सिम्टम्स जो है वो डिजीज के नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी हेल्दी इंसान को जो है, किसी हेल्दी इंडिविजुअल को अपना डिजीज जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं. ये कैरियर क्या है, ये तो बहुत अच्छे से हम इस कोरोना टाइम में समझ गए हैं. बहुत सारे इंडिविजुअल जो कि जिनमें खुद में कोई सिम्टम नहीं है बट दे एक्ट एज अ कैरियर. सो 10% ऑफ द पीपल which are untreated, they act as the carrier. Carrier की बात करें तो carrier जो है वो बहुत तरह के होते हैं. कुछ carrier जो होते हैं वो fecal carrier होते हैं. Fecal carrier means in which the bacteria that grows and multiply in the gallbladder, जिनके bacteria gallbladder में grow करेगा, multiply करेगा, और they excrete the bacteria in their fecal material. Some are the urinary carrier or what, in which the bacteria grows and multiply in the kidney and they will excrete this bacteria in their urinary waste. Next are the temporary carriers. Temporary carriers are those carrier which excrete this bacteria from 3 weeks to 3 months. 3 weeks से लेकर 3 months तक ये इसको excrete करते रहेंगे अपने fecal या urinary tract के through. Next are the chronic carrier, the most dangerous one. Chronic carrier कौन से carriers होते हैं, जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं
या अपने आप को कभी डिजीज हुआ ही नहीं, डिजीज तो हुआ लेकिन उसके सिम्टम्स कभी नजर नहीं आए, एंड दे कैरी ऑन टू स्प्रेड दिस डिजीज मोर देन वन ईयर. एंड अ वेरी फेमस केस ऑफ द क्रॉनिक कैरियर इज ऑफ द मैरी मेलन. शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी वॉज अ कुक इन यूनाइटेड स्टेट. ये एक लेडी थी, मैरी मेलन, आपने पहले भी पढ़ा होगा. ये जो लेडी थी ये अपने आप में क्रॉनिक कैरियर थी. इसने अपने थ्रू अप्रोक्सीमेटली 1500 लोगों को जो है ये डिजीज जो है वो स्प्रेड किया. बहुत सारे जो जहां पे ये काम करते थे, जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहां पे आसपास कुछ केसेस नजर आने लग गए. तो जब वहां पे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक सैनिटरी इंजीनियर का नाम भी यहां पे दिया है, जॉर्ज सॉबर. इन्होंने ही बाद में इन्वेस्टिगेट किया दैट दिस लेडी दैट इज द मैरी मेलन इज अ क्रॉनिक कैरियर ऑफ टाइफाइड. क्योंकि उस समय पर टाइफाइड बहुत डेंजरस माना जाता था, इट वॉज अ फेटल डिजीज. जिस समय की बात है इन 1906, क्योंकि उस समय पर इसकी ट्रीटमेंट अच्छे से होती नहीं थी, कोई प्रॉपर वापस इसकी वैक्सीन या ट्रीटमेंट के लिए अच्छे ड्रग्स नहीं थे, तो इट वॉज अ फेटल डिजीज. तो जब इसका पता चला पूरे की चीज ये एक स्पेसिफिक एरिया में इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों हो रहा है, तो अल्टीमेटली दिस पर्सन जॉर्ज सॉबर ही डिटेक्टेड दैट मैरी मेलन द लेडी द कुक ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज बिहाइंड दिस एंटायर द स्टेट ऑफ द पीपल ओवर देयर. ठीक है, तो बाद में ये जो हेल्दी लेडी थी इनको बताया गया कि शी इज अ हेल्दी कैरियर हरसेल्फ, शी इज ऑल राइट. उनको हुआ होगा, फिर वो ठीक भी हो गए, लेकिन वो एक कैरियर थे जिन्होंने अपने थ्रू बहुत सारे लोगों को ये सर्व किया. रेस्टोरेंट में थी ना, तो जैसे जैसे खाना सर्व किया अपने साथ उन्होंने इस डिजीज को भी साथ के साथ सर्व कर दिया. एंड शी वॉज कॉल्ड एज द टाइफाइड मैरी बिकॉज शी वॉज रिस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड द डिजीज अमंग ऑल द पीपल विच वर इन सराउंडिंग ऑफ हर. नाउ नेक्स्ट इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर. इफ यू टॉक अबाउट अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया लुक लाइक दिस. इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी उस तरह से ही है जिस तरह से बाकी बैक्टीरिया का होता है. ठीक है, और इसके अलावा इसके सर्फेस के ऊपर ये कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. एक तो बहुत लंबा सा फ्लैजिला है, यू ऑल नो फ्लैजिला विच इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोशन में हेल्प करता है ये. इट इज अ मोटाइल बैक्टीरिया विच मूव्स and these structures are called as the pili. Now this pili, what they do? So these pili are thick hair like structure which are present all over the surface of the bacteria. ये flagella के जितने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये locomotion में help करते हैं and they help in the adherence. Most important, locomotion में तो help करेंगे लेकिन attachment किसी भी substrate के साथ. substrate क्या है, अगर ये पैरासाइट है, ये अगर एक पैथोजन एज कर रहा है, तो पैथोजन जो है जब अपने सब्सट्रेट के साथ एडहियर करेगा तो ये एडहियरेंस में हेल्प करेंगे. एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजेनिसिटी और द विरुलेंस. इस बैक्टीरिया के विरुलेंस के लिए भी जो है काफी ज्यादा ये आपके पिलाए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर सिंपल ही है. ये इसका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियॉइड है बिकॉज इट इज अ प्रोक्रियोट, सो द न्यूक्लियर मटीरियल इज लाइंग नेकड in the cytoplasm. Then we have the ribosomes and all the things. Now if we talk about the structure, it is having a cell diameter of about 0.7 to 1.5 micrometer in length. These bacteria are chemoautotrophs, that means they get energy by the reduction of the organic substances. ठीक है, chemicals को reduce करके जो है ये अपने energy obtain करते हैं. And they are facultative adopts, यानी कि जब इन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगा सो दे कैन ऑल्सो हार्नेस दैट ऑक्सीजन टू मेक देयर एटीपी. एंड वेन इट इज नॉट अवेलेबल देन दे कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द एनरोबिक मोड ऑफ द रेस्पिरेशन. ठीक है ना, पता ना आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है. तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ये उसको यूज करके एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, जब नहीं अवेलेबल है तो एनरोबिक रेस्पिरेशन से भी अपना काम जो है वो चला लेते हैं. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन. If we talk about causes, the cause is the fecal-oral route. That means the contamination of the food or the water in your surrounded with the fecal material of the infected person. ठीक है, तो outbreaks कहाँ पे आते हैं, ये जहां पर आपके contaminated जो है बहुत सारे meat है या poultry है या unpasteurized आपके dairy products हैं,
तो वहां पर ही या कुछ वेजिटेबल्स आपके जो वेजिटेबल जो कंटामिनेटेड है वहां पे अगर ये चीजें अवेलेबल कहीं पर हो और लोग उसको अगर यूज करें विदाउट टेकिंग मच मोर प्रिकॉशन देन द आउटब्रेक कैन बी सीन। अब ये होता क्या है, देखिए कि जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में जब जहां पे प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन अवेलेबल नहीं है वहां पे लोग जो है उनके फेकल मटेरियल से जो सराउंडिंग वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है। अब आपने देखा ही होगा अगर आप सब्जी वगैरह बाजार लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो सब्जी वाले वो दे टेंड टू कॉन्टिन्यूसली स्प्रिंकल वाटर ओवर देयर वेजिटेबल। नाउ फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द वाटर, अगर नजदीक कोई टैप वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो साथ में अगर कोई नाला बह रहा है या कोई खड्ड है तो उसी से पानी उठाकर जो है वो अपनी वेजिटेबल को स्प्रिंकल करेंगे इन ऑर्डर टू मेक दम फ्रेश। तो अगर वो वाटर कंटेमिनेटेड है तो आपकी वेजिटेबल्स भी कंटेमिनेट हो जाएंगी। आप उस वेजिटेबल को अच्छे से कुक नहीं करते हो, मान लीजिए सैलड है तो आपको उसको कुक नहीं करना, आप उसको थोड़ा सा वॉश आउट करके खा लेते हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग बैक्टीरिया विद दैट वेजिटेबल ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ही आपके जो और कोई चीजें हैं, चाहे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई मीट है अगर आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते हैं तब भी जो है यू आर गेटिंग द इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया टू योर बॉडी, राइट। सो बहुत सारे लोग तो सिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक कैरियर होंगे इसके, और जो कि बैक्टीरिया को बाकी लोगों तक फैलाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ व्हेन वी टेक द बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं, चाहे वो आप वाटर से लीजिए, कंटेमिनेटेड वाटर से लीजिए, या फूड से लीजिए, या मीट से, या डेयरी प्रोडक्ट से, जहां से भी ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया, सबसे पहले बैक्टीरिया कहां पर जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जब बैक्टीरिया जाता है तो स्टमक इज एक्टिंग एज द फर्स्ट बैरियर टू द इन्फेक्शन। बट द पर्सन हु हैव लो एसिडिटी, जिनके स्टमक में एसिडिटी कम है, क्यों कम है, मान लीजिए कई लोग जो बहुत सारे एंटासिड्स लेते हैं तब भी एसिडिटी जो है वो स्टमक का जो एसिडिक बैलेंस है वो कम हो जाता है, या कोई और उनके साथ कोई दिक्कत है, कोई ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से जो उन स्टमक का पीएच जो है वो कम हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ पर्सन दे सफर फ्रॉम दे आर ससेप्टेबल टू द टाइफाइड। अनदर द कॉजेज आर such as another causes are your antibiotics। कई लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो जिनका जो बहुत सारे एंटीबायोटिक लेते हैं उनका भी पीएच बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोगों का पीएच लो है, जिन भी लोगों का पीएच जो है वो बहुत लो है या पीएच जो है वो अनबैलेंस्ड है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू द टाइफाइड। स्टमक के बाद जो है स्टमक का पीएच चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो फिर भी वो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। देन द बैक्टीरिया दैट गोज टू द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज इट्स फेवरेट ऑर्गन। व्हाई? बिकॉज द बैक्टीरियल ग्रोथ इज फेवर्ड बाय द अल्कलाइन एटमोस्फेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे चला जाएगा तो बैक्टीरिया, अगर आपको याद हो आपने हिस्टोलॉजी जो थी वो स्टडी की थी आपने फर्स्ट ईयर में और अपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की इंटेस्टाइन की जो आपकी इंटेस्टाइन जो है आपकी उसके ये जो उसका अंदर का गट का जो इसका गट है यहां से वो अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा आपके गट की वॉल में। ठीक है, तो गट की वॉल में सबसे पहले वो किसको पास ऑन करेगा, म्यूकोसा को। म्यूकोसा के बाद क्या होती है आपकी, सब म्यूकोसा होती है। सब म्यूकोसा के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है आपकी इंटेस्टाइन की वो क्या होती है, लैमिना प्रोपिया। नाउ दिस लैमिना प्रोपिया इज द लेयर विच हैव द मैक्रोफेजेस। इसमें और भी बहुत सारे सेल्स होंगे लेकिन इसमें काफी सारे मैक्रोफेजेस भी होंगे। अब ये इन मैक्रोफेजेस में जाके जो है वो चला जाएगा ये बैक्टीरिया, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के टाइफाइड बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस जो थे वो रोक नहीं पाए थे, सिमिलरली दिस बैक्टीरिया दैट इज द साल्मोनेला टाइफी व्हेन इट एंटर द मैक्रोफेजेस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैक्रोफेजेस इट इजिली मल्टीप्लाई देयर। वहां पे वो अच्छे से जो है वो मल्टीप्लाई करेगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस इट इज बींग ट्रांसफर टू द पेयर पैचेस। आपको पता ही पेयर पैचेस आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन। आफ्टर द पेयर पैचेस, जब वो पेयर पैचेस में होता है देन इट स्टिमुलेट्स द अदर
सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन आया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स को इकट्ठा करेगा ताकि वो उससे जो है उसकी एक्टिविटी को कम कर सके, उस पैथोजन को सप्रेस कर सके. नाउ व्हेन दिस बैक्टीरिया दैट इज ट्रांसफर टू द पेयर पैचेस स्टिमुलेट्स द रिक्रूटमेंट्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड द लिम्फोसाइट. मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन से होते हैं? All the blood cells which are having the rounded nucleus, such as your monocytes आगे, dendritic cells आगे, macrophages आगे, lymphocytes आगे, ये सारे के सारे cells जो हैं, these are the part of the immune system and help in fighting the infection. ठीक है, तो ये infection से लड़ने के लिए सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे. कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे? Pear patches में. इसकी वजह से पेयर पैचेस में क्या हो जाएगा? हाइपरप्लाजिया जाएगा. हाइपरप्लाजिया मींस उसकी सेल डिवीजन जो है वो थोड़ी तेज होना स्टार्ट हो जाएगी. देर इज फास्टनिंग इन द सेल डिवीजन ऑफ द पेयर पैचेस एंड समटाइम नेक्रोसिस आल्सो अकर्स. नेक्रोसिस हो जाएगा जब वहां पे पेयर पैचेस में सेल्स का नेक्रोसिस होना स्टार्ट होगा, तो उससे क्या होगा? देर वुड बी द अल्सरेशन. अल्सरेशन होगी, फिर ब्लीडिंग होगी, एंड समटाइम इफ द इन्फेक्शन इज हाई समटाइम द परफोरेशन दैट ऑल्सो अकर. सो ये जो ब्लीडिंग हो रही है आपके इंटेस्टाइन में, जहां पर पेयर पैचेस में अल्सरेशन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या परफोरेशन हो रही है, इसकी वजह से ही जो है आपको वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होगी, और इसी की वजह से जो है वो हमें फीवर आता है. ठीक है, तो ये एंटेरिक फीवर का मेन रीजन क्या है? अल्सरेशन, ब्लीडिंग एंड परफोरेशन इन द इंटेस्टाइनल रीजन. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, जब यहां पे काफी इन्फेक्शन फैल जाएगा, देन दिस बैक्टीरिया इज डिसेमिनेटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है ना पेयर पैचेस, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अदर पार्ट्स को भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. लिम्फेटिक सिस्टम से ये कहां पे चला जाएगा? ब्लड में. यू ऑल नो दैट द लिम्फ वेसल इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द ब्लड थ्रू द थोरैसिक डक्ट, जो आपके शोल्डर के पास है, तो वहां पे ये ब्लड में आ जाएगा. और एक बार जब कोई चीज ब्लड में आ जाती है, देन इट इज स्प्रेडेड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. तो उसके बाद इट इज स्प्रेड टू द लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड द लिम्फ नोड्स. ठीक है, जब ये पूरी तरह से आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में जो है इसको स्प्रेड हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? नाउ अब क्या होगा? जो वहां ऑर्गन्स के जो एपिथेलियल सेल्स हैं और साथ में जो मैक्रोफेजेस हैं, दे विल रिलीज द केमिकल कॉल्ड एज द साइटोकाइंस. साइटोकाइंस कल भी हमने पढ़ा था. नाउ दे विल रिलीज द साइटोकाइंस एंड दीज साइटोकाइंस विल हेल्प इन द फाइटिंग द दिस बैक्टीरिया एंड दिस ऑल द थिंग्स रिजल्ट इन द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड. आपको फीवर और जो भी सिम्टम्स नजर आएंगे वो सारे के सारे आपके जो चीजें हैं वो आपको इन्फेक्शन के रीजन जो आपके साइंस हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, कुछ एक चीजें जो मैं और बताना चाहती हूँ वो है आपका कि वट इज द इन्फेक्शन डोज, कि हमें इन्फेक्शन कब होता है? जब हम बैक्टीरिया अप्रोक्सीमेटली 10^3 और 10^6 यानी कि 1,000 to 10 lakh बैसिलाई अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, तभी जो है वो हमें ये टाइफाइड फीवर होगा. नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, इट इज 10 to 14 days. इंक्यूबेशन पीरियड इज द पीरियड वेन द बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी एंड द टाइम वेन द सिम्टम्स अपीयर इन योर बॉडी. So the first day when bacteria enters the first day when you see the symptoms of the particular bacteria, it is called as the incubation period. 10 to 14 days hota, lekin it depends upon the different types of the host and it may be vary from 5 to 21 days. This depends upon the size of the inoculum, ki aapne kitna zyada bacteria aapki body ke andar aa gaya. Agar zyada bacteria aaya hai to bahut jaldi आप में सिम्टम नजर आएंगे, अगर कम बैक्टीरिया आए तो सिम्टम धीरे धीरे नजर आएंगे. उसके बाद होस्ट की हेल्थ, जो आपका होस्ट है, अगर आपकी हेल्थ स्टेटस ठीक है तो आपको इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा. इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो लंबा चला जाएगा. नेक्स्ट इज द इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो डिजीज के सिम्टम जल्दी नजर आएंगे, अगर इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो डिजीज के सिम्टम हमें लेट जो है वो नजर आएंगे. सो आफ्टर द पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में अगर आप कर लेंगे तो आपको उसको समझना इजी हो जाएगा. नेक्स्ट इज द सिम्टम्स. सो इफ वी टॉक अबाउट सिम्टम्स, आपको सबको पता है टाइफाइड में जो है वो फीवर आता है. फर्स्ट वीक में जो फीवर है वो रेमिटेंट फीवर रहता है, आपको जो है सवेरे शाम या दोपहर में पीक पे फीवर होगा, उसके बाद आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाएगा. ठीक है, कभी भी वो नॉर्मल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा फीवर जो है वो हर समय ही रहता है. ठीक है, तो सिम्टम्स दे बिगिन फ्रॉम 6 to 30 days डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट कंडीशन.
एंड सेकेंड वीक में जो फीवर है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, थर्ड वीक में जो है वो आपका फीवर थोड़ा और ज्यादा होगा और उसके बाद आपका जो फीवर है वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है. राइट, सो द फीवर दैट मे गो हाई, काफी हाई शुरू शुरू में कम होता है लेकिन बाद में आपका फीवर जो है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज द वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड द हेडेक्स. ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे दी नहीं है वो है डायरिया. बहुत सारे लोगों को डायरिया की शिकायत भी जो है वो होती है ड्यूरिंग टाइफॉइड एंड समटाइम वॉमिटिंग इज ऑल्सो सीन देयर. ठीक है, इसके अलावा ये आपके रूज कलर्ड स्पॉट्स, दिस रोज कलर स्पॉट, जो रोज कलर स्पॉट्स है ये भी कई इंडिविजुअल में, सब में तो नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ पर्सन दे शो दिस रोज कलर स्पॉट. सो दिस रोज कलर स्पॉट्स यानी कि स्पॉट्स नजर आएंगे आपके चेस्ट के ऊपर. ये यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से नजर नहीं आ रहा, मॉडर्न बुक है ये वाली. तो रोज कलर के ये जो स्पॉट्स से हमें नजर आना शुरू होंगे कुछ ही जो हमारे पेशेंट्स हैं उनमें, सब में ऐसा नहीं आएंगे. इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी जो है वो साल्मोनेला टाइफाइड के साथ जुड़ी हुई है. फॉर एग्जांपल, देर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स और द लाइनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स और द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास, किडनी, गॉल ब्लैडर. तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, योर साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी जो है होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि आपको हेलुसिनेशंस या डिलीरियम जो है वो भी हो सकता है. नेक्स्ट इज द एपिडेमोलॉजी. एपिडेमोलॉजी वो मैंने शुरू में भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि इट इज द मोस्ट फिफ्थ मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ इंडिया एंड 1 million केसेज ऑफ टाइफॉइड आर रिपोर्टेड एवरी ईयर. एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइफॉइड इन इंडिया, देन 2015 में अप्रोक्सीमेटली 12.5 million केसेज जो थे वो हमें देखने को मिले थे टाइफॉइड के. ठीक है, और इट किल्स अप्रोक्सीमेटली 2 lakh पीपल एवरी ईयर. तो देख सकते हैं आपकी डिजीज जो है वो कितना ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पे सैनिटरी कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी जो है वो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, जैसे कि सेप्रोफ्लेक्सिन है या आपकी जो कि नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट्स के लिए है या आपके बाकी लोगों के लिए है, बाकी आपकी सेफ्ट्रायग्जॉन ये वाला भी एंटीबायोटिक अवेलेबल है. तो ये जो है एंटीबायोटिक्स हम डॉक्टर्स के पूछने पर ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसके अलावा हमें बहुत सारा जो है वाटर लेना है ताकि हमारी बॉडी जो है उसमें डिहाइड्रेशन ना हो. क्यों? क्योंकि अक्सर ही जब हमारा ये टाइफाइड होता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा जो है वो डायरिया देखने को मिलता है. तो कहीं वाटर की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो, सो यू हैव टू रिहाइड्रेट योर बॉडी एंड टेक अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. आपको पता ही है कि हमारे पास बहुत सारे जो हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, अब वो धीरे धीरे उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस हो चुके हैं जो कि हम पहले यूज करते थे. जैसे कि हमने कल टाइफाइड के लिए भी बात किया, तो अब हमें जो है वो कॉम्बिनेशंस में एंटीबायोटिक यूज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम किसी डिजीज को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ द वैक्सीन, इफ वी टॉक अबाउट वैक्सीन भी अवेलेबल है. हमारी टैब वैक्सीन होती है जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और 3 साल के बाद आपको ये दोबारा लगानी पड़ती है. ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे आपकी बुक में नहीं दी हुई है दैट इज दी डायग्नोसिस. सो डायग्नोसिस की बात करते हैं, हाउ यू डायग्नोज द टाइफाइड. यू ऑल नो वी डायग्नोज टाइफाइड विद द विडाल टेस्ट. विडाल टेस्ट हमारे पास होता है विच डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज. जो भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेगी साल्मोनेला के अगेंस्ट, उससे हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं. बट दिस टेस्ट इज नॉट सो रिलायबल. कई बार ये टेस्ट का रिजल्ट जो वो गलत आता है. तो एक और टेस्ट आपका अवेलेबल है दैट इज द टाइफीडॉट. दिस टाइफीडॉट टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द अलीजा. अलीजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. अलीजा भी डिटेल में हम करेंगे इम्यूनोलॉजी में. अलीजा जो है दिस इज अ किट विच डिटेक्ट द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. एंटीजन जो किसी पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट है और एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी बनाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट, तो उनके रिएक्शन से ही हम जो डिटेक्ट करते हैं कि ये स्पेसिफिक पैथोजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो अलीजा किट जो है आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है IgM and IgG, these are the subtypes of the antibodies which are formed in your bodies. तो ये वाले जो दो antibodies हैं that is IgM and IgG, ये जो है वो action करेगी against the against your this pathogenic antigen.
ठीक है, दिस टेस्ट इज मोर रिलायबल, ये काफी रिलायबल है, और अगर आपको इन्फेक्शन हुए 2-3 डेज हुए हैं तब भी आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा. सो दिस इज द डायग्नोसिस. नाउ नेक्स्ट इज द अवॉइडिंग इन्फेक्शन और व्हाट आर द प्रोफाइलेक्सिस. प्रोफाइलेक्सिस और अवॉइडिंग इन्फेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर दे आर सेम थिंग्स, कि आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. यू हैव टू वॉश योर हैंड, आप अपने हैंड बार बार वॉश करिए, सोपी कहीं बाहर से आते हैं तो सोपी वाटर से, और जो है अच्छे से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अपने हाथ आपने वॉश करने. उसके बाद अवॉइड द ड्रिंकिंग वाटर विच इज अनट्रीटेड. डायरेक्ट जो खड्डों से पानी उठा लेते हैं, अक्सर ही ऐसे होता है, जैसे हमारा धर्मशाला इन्हीं एरिया, यहाँ पे बहुत सारा पानी जो है लोगों के घरों में आता है वो खड्ड से उठाते हैं, ठीक है, उसको ट्रीट किया होता है, लेकिन फिर भी हमें उसे पानी को जो है वो अच्छे से फिल्टर करके पीना है, क्योंकि अगर वो पानी कंटेमिनेटेड हुआ तो वी कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्शन. सो आपको वाटर जो है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पानी से जो है वो बहुत सारे हमारे डिजीजेस जो है वो फैलते हैं. इसके अलावा अवॉइड द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो भी हम फ्रूट या वेजिटेबल बाहर से लाते हैं हमें उसे अच्छे से जो है वो वॉश करना है, और कोशिश करिए कि रॉ ना खाएं आप. अच्छे से कुक किया हुआ फ्रूट, अच्छे से कुक की हुई वेजिटेबल्स हमें लेनी है, और फ्रूट जो है वो हमें अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही हमें उसे खाना है. चूज द हॉट फूड, ठंडा खाना ना खाइए, फ्रेश फूड लीजिए, घर में बना हुआ खाना खाइए. स्पेशली जैसे आजकल रेनी सीजन है तो जो बाहर से पानी यूज करते हैं वो उसमें कंटामिनेशन के चांसेस चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए घर का फ्रेश फूड लीजिए आप, हॉट होना चाहिए. और दूसरी चीज ये है कि आप बहुत दिनों तक रखा हुआ खाना भी ना खाएं, ठीक है, उससे भी आजकल जो ये हमारा रेनी सीजन है इसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है. तो बाहर का खाना कम खाना है हमने, घर में बना हुआ फ्रेश फूड हम खाएंगे, और गर्म खाना जो है वो हमने खाना है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइफाइड, ये अच्छे से आपने लर्न कर लेना है. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.